हाय एवरीवन, हेलो एंड वेलकम टू अमूल फेसबुक लाइव। मेरा नाम हीना वलेचा है और मैं दिल्ली से हूँ। और आज की जो हमारी रेसिपी है जो मैं यहाँ पर आज बनाने वाली हूँ वो है केसर बादाम मिक्स। तो स्टार्ट करें बनाना, आप लोग कमेंट्स में मुझे रिएक्शंस दे सकते हैं तो मुझे पता चल जाए किस किसने ज्वाइन किया है। We'll wait for a few more people to join. तो आज हम बनाने वाले हैं केसर बादाम मिक्स। तो केसर बादाम मिक्स बनाने के लिए जो यहाँ पर मैंने इंग्रेडिएंट्स लिए हैं वो मैंने लिए हैं, मैंने यहाँ पर लिया है बादाम, केसर, ये है खरबूजे के बीज और ये है तरबूजे के बीज, और साथ में मैंने लिया है इलायची पाउडर, और साथ में मैंने लिया है अमूल का मिल्क पाउडर अमूल्या, ये भी मैंने लिया है। और इसी सब इंग्रेडिएंट्स को मिलाकर हम बनाएंगे एक प्री मिक्स केसर बादाम मिक्स। तो स्टार्ट करते हैं इसको बनाना। तो यहाँ पर मैंने एक मिक्सर ग्राइंडर जार में सबसे पहले मैं यहाँ पर डाल दूंगी शुगर। यहाँ पर मैंने 1/4 कप शुगर डाली है, आप देख सकते हैं 1/4 कप मैंने इसमें शुगर डाली है। आप स्वीटनेस अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज्यादा कर सकते हैं। अगर आपको थोड़ा ज्यादा स्वीट पसंद है तो आप शुगर की क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं। और यहाँ पर मैंने 1/4 कप इसमें लिया है अमूल्या मिल्क पाउडर, तो इसमें मैं ऐड कर दूंगी ये 1/4 कप। साथ में इसमें हम 1 टेबल स्पून डालेंगे ये खरबूजे के बीज और ये तरबूजे के बीज, ये आपको मार्केट में इजीली अवेलेबल होते हैं, मिल जाएंगे। और साथ में मैंने लिया है यहाँ पर 20-25 बादाम लिए हैं मैंने, लाइक 1/4 कप ही मैंने इसमें बादाम लिया है। अब इसमें मैं ऐड करूंगी थोड़ा सा केसर। अब ये मैंने केसर लिया है इतने स्ट्रैंड, लाइक 1 पिंच इसमें मैंने केसर डाला है। साथ में 1 पिंच मैं इसमें डालूंगी इलायची पाउडर, और इसको हम ग्राइंड करके इसका पाउडर बना लेंगे, एक प्रीमिक्स बना के रख लेंगे। अब विंटर सीजन है तो विंटर सीजन में केसर बादाम मिल्क घर में बनाया जाता है, तो ये मैं इसका प्रीमिक्स बनाकर रखूंगी कि आपको जैसे ही बनाना है आप बस इस मिक्स को 1 चम्मच मिल्क में ऐड करें, बॉईल करें और आपका केसर बादाम मिक्स मिनट्स में रेडी हो जाएगा। तो अब मैं इसको ग्राइंड करके आती हूँ। ये मैंने ग्राइंड कर लिया और आप ये देखेंगे कि ये बिल्कुल एक फाइन पाउडर जैसा रेडी हो गया है। और आप इसको एयर टाइट कंटेनर में भर के रख लें, और जब भी आपको केसर बादाम मिल्क बनाना है आप इसका 1 चम्मच भर के आप इसको बॉइलिंग मिल्क में डाल देंगे। मैंने यहाँ पर मिल्क ऑलरेडी बॉइल करने रख दिया था, आपको मैं दिखा देती हूँ। यहाँ पर मैंने दूध को बॉइल किया है, यहाँ पर मैं अमूल गोल्ड मिल्क मैंने लिया है और इसमें मैंने अभी 1 स्पून डाला है, मैं 1 चम्मच और डालूंगी इसमें इस तरीके से, और इसको हम अच्छे से बॉईल होने देंगे। और थोड़ी देर इसको हम बॉईल होने देंगे, लाइक 5 to 10 मिनट्स तक इसको अच्छे से बॉईल करेंगे, और ये थोड़ा सा क्रीमी और गाढ़ा जब हो जाएगा तो हम इसको गरम गरम ही सर्व कर सकते हैं, या तो फिर आपको अगर ठंडा पीना है तो आप इसको चिल करके भी इस मिल्क को
सर्व कर सकते हैं। तो ये हमने बादाम केसर का प्रीमिक्स बनाया है और इसको हम जब दूध में डालेंगे तो हम बहुत इंस्टेंटली केसर बादाम वाला जो मिल्क है वो घर में फटाफट बना सकते हैं। तो आई होप आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी, तो आप लोग मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं। तो आप देखेंगे ये बहुत ही जल्दी हमने इसको बना के रख लिया। तो ये अब जब थोड़ा बॉइल होगा तो जब मिल्क है ये हल्का हल्का केसर का कलर छोड़ देगा। लेकिन इसे हमें थोड़ा बॉइल करना पड़ेगा। और अगर आपको थोड़ा सा लाइक केसर के स्ट्रैंड्स दिखने के लिए चाहिए तो आप ऐसे इस तरीके से केसर के स्ट्रैंड्स थोड़े प्रीमिक्स में भी डाल सकते हैं। और साथ में अगर बादाम का क्रंच चाहिए तो बादाम को काट कर इस प्रीमिक्स के साथ भी ऐड कर सकते हैं। लाइक अगर आपको बिल्कुल प्लेन ब्लैंड नहीं प्लेन नहीं चाहिए लाइक पाउडर फॉर्म में और थोड़ा क्रंच भी चाहिए तो हमें इसके अंदर बादाम के पीसेस जो हैं वो भी काट के डाल देने चाहिए। और केसर के जो स्ट्रैंड्स अगर दिखते हैं तो बहुत ही ब्यूटीफुल दिखते हैं। तो इस तरीके से केसर के स्ट्रैंड्स भी प्रीमिक्स बनने के बाद इसमें ऐड करेंगे। मैं आपको ऐड करके दिखाती हूँ। ये मैंने जो बोल है इसके अंदर ये मैं प्रीमिक्स को निकाल लूंगी। और इसी के ऊपर डालूंगी थोड़े से स्ट्रैंड्स और केसर के। इस तरीके से केसर के थोड़े स्ट्रैंड्स और डाल दिए मैंने और साथ में मैं इसमें चॉप करके आमंड्स डालूंगी। तो यहाँ 8-10 जो बादाम है इनको मैं चॉप करके इस प्रीमिक्स में डाल दूंगी। हेलो महिमा जी एंड थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। यहाँ पर जो ये मिल्क है ये बॉइल हो रहा है और रेडी हो रहा है और इसमें हमने अमूल का मिल्क पाउडर डाला है और अमूल का अमूल गोल्ड मिल्क भी यूज किया है। तो ये बहुत ही डिलिशियस क्रीमी जो मिल्क है ये रेडी हो जाएगा हमारा विद इन मिनट्स। तो आप देखेंगे ये हमने इसमें मैं बादाम के थोड़े पीसेस पतले पतले काट के डाल रही हूँ इस तरीके से। और इसको भी हम मिक्स करके एयर टाइट कंटेनर में रख देंगे। तो ये हमारा जो बादाम केसर का मिक्स है ये रेडी हो जाएगा। दूध बॉईल हो रहा है और मैं साथ में यहाँ पर ये जो बादाम है इनको काट के डाल रही हूँ इस प्रीमिक्स में। और अगर आपको ये प्रीमिक्स में बादाम के टुकड़े नहीं चाहिए तो आप इसको भी टोटली ऑप्शनल है ये, आप इसको निकाल सकते हैं अगर आपको ये नहीं चाहिए तो। अगर आपको बिल्कुल फाइन पाउडर चाहिए तो आप पाउडर, ये सबकी अपनी चॉइस है कि आपको किस तरीके का मिक्स बनाना है। तो मैं अपने घर में इस तरीके से बनाकर रखती हूँ तो वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। और आप लोग भी मुझे बता सकते हैं अगर आप कुछ डिफरेंट करते हैं तो कमेंट्स में बताइए, कुछ सजेस्ट करिए कि आप लोग कैसे बनाते हैं। तो आप देखेंगे ये इस तरीके से, और इसको एक अच्छा मिक्स दे दूंगी मैं एक अच्छा सा और फिर इसको भर के रख लूंगी। तो यहाँ मैंने जब बॉईल करने डाला था तब मैंने इसमें आमंड्स नहीं डाले थे, मैं इसको थोड़े से आमंड्स भी चॉप करके डाल देती हूँ।
अगर आपको बच्चों को देना है और वो लोग नट्स नहीं खाते हैं तो ये बिल्कुल टोटली ऑप्शनल है कि आप इसको ओमिट कर दें और बिल्कुल इस पाउडर्ड फॉर्म में डालें, तो आप देखेंगे कि आपने बच्चों को बादाम की गुडनेस भी दे दी, केसर की गुडनेस भी दे दी और उन्हें पता भी नहीं चलेगा। और बहुत ही डिलिशियस ये हमारा जो मिल्क है ये रेडी हो गया। आप देखेंगे कितना क्रीमी और हेल्दी लग रहा है ये। और विंटर सीजन इज द बेस्ट टू मेक दिस प्रीमिक्स। तो यहाँ पर ये हमारा जो मिल्क है ये रेडी हो गया और हम इसको सर्व करेंगे। अभी ये बहुत गर्म है तो इसको मैं थोड़ा सा ठंडा करके इसको फिर ग्लास में सर्व कर दूंगी, या आप मिट्टी के कुल्हड़ में भी इसको सर्व कर सकते हैं। ओके, हेलो लादी जी एंड थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग एंड थैंक यू एवरीवन हुएवर हैव जॉइंड, थैंक यू सो मच। तो आई होप ये रेसिपी क्लियर है, किसी को कोई क्वेश्चन है तो वो मुझसे पूछ सकते हैं। हाय रीचल जी, तो आई होप आपको रेसिपी क्लियर है। सो आई विल एंड द सेशन, फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय एवरीवन एंड थैंक यू अमूल फॉर दिस प्लेटफॉर्म जहां पर आकर हम अपनी रेसिपीज शोकेस कर सकते हैं। तो बाय एवरीवन।